बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास सेकेंड। टुडे वी विल स्टार्ट अवर फर्स्ट लेसन ऑफ यूनिट नंबर 1 विच इज़ माय एक्सटेंडेड फैमिली। फैमिली ग्रुप ऑफ पीपल को कहते हैं, ऐसा ग्रुप ऑफ पीपल जो एक दूसरे से रिलेटेड हो। फैमिली की टू टाइप्स हैं, इमीडिएट फैमिली एंड एक्सटेंडेड फैमिली। इमीडिएट फैमिली स्मॉल फैमिली को कहते हैं जिसमें सिर्फ आपके पेरेंट्स और सिबलिंग्स मौजूद होंगे। इस तरह की स्मॉल फैमिली को इमीडिएट फैमिली कहते हैं। यहाँ पर इमीडिएट फैमिली की कुछ पिक्चर्स हैं जिस पर आप कंसंट्रेट करो, तो इसमें सिर्फ पेरेंट्स और उनके बच्चे मौजूद हैं। इनके अलावा कोई और फैमिली मेम्बर मौजूद नहीं है। इस तरह की स्मॉल फैमिली को इमीडिएट फैमिली कहते हैं। एक्सटेंडेड फैमिली, एक्सटेंडेड फैमिली लार्ज फैमिली को कहते हैं जिसमें पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, ग्रैंड चिल्ड्रन, अंकल एंड आंट, सिबलिंग्स, कजन्स सारे मौजूद होंगे। ये सारे फैमिली मेम्बर्स एक लार्ज फैमिली बनाते हैं जिसको हम एक्सटेंडेड फैमिली कहते हैं। यहाँ मैंने अपनी एक्सटेंडेड फैमिली का ट्री शो किया हुआ है जिसमें नाना नानी और दादा दादी ऊपर मौजूद हैं। लेफ्ट साइड पर अहमद चाचू और तायरा पप्पू हैं। राइट साइड पर जावेद मामू, जाहिद मामू, अयास मामू मौजूद है। सेंटर में मेरे पेरेंट्स हैं। नीचे मैं और मेरे सिबलिंग्स मौजूद हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक्सटेंडेड फैमिली की कुछ पिक्चर्स हैं जिस पर आप कॉन्सेंट्रेट करो, तो इसमें ग्रैंड पेरेंट्स, ग्रैंड चिल्ड्रन, पेरेंट्स, अंकल एंड आंट, कज़न, सिबलिंग सारे मौजूद हैं। ये सारे मेंबर्स एक लार्ज फैमिली बना रही है जो कि एक्सटेंडेड फैमिली कहलाती है। यहाँ पर हमारे लेसन का एंड है। एंड पर मैं आपको एक दफ़ा रिवाइज करवाऊँगी कि हमने आज क्या क्या पढ़ा। हमने आज फैमिली और उसकी टू टाइप्स पढ़ी, इमीडिएट फैमिली एंड एक्सटेंडेड फैमिली। इमीडिएट फैमिली स्मॉल फैमिली को कहते हैं जिसमें सिर्फ पेरेंट्स और उनके बच्चे शामिल होंगे। एक्सटेंडेड फैमिली लार्ज फैमिली को कहते हैं जिसमें पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, ग्रैंड चिल्ड्रन, अंकल एंड आंट, कज़न, सिबलिंग्स ये सारे मौजूद होंगे। असाइनमेंट में आपने पेज नंबर 4 की रीडिंग करनी है। इसके अलावा आपने अपनी एक्सटेंडेड फैमिली का ट्री बनाना है कंप्यूटर पेज पर, ए फोर साइज पेज पर बनाना है। उस पेज को आपने नीट नोटबुक पर पेस्ट करना है और ऊपर डेट भी मेंशन करनी है।